तो जबकि वो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। आज जो कह रहे हैं नेहरू जी पे सवाल उठ रहा है, कभी किसी पे सवाल उठ रहा है, मैं खुद जानता हूं इस बात को, मैं खुद गवाह हूं इस बात का। आप अगर संविधान के सारे बदलावों को देखेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने किए या किसी भी पार्टी ने किए, वो सारे बदलाव सरकार की तंत्र की ताकत को बढ़ाने के लिए किए और जनता को कमजोर करने के लिए किए। जब सोसाइटी कमजोर होती है तो सरकार मजबूत होती है, और जब सोसाइटी को अगर मजबूत करना है तो सरकार को कमजोर करना पड़ता है। हमने हमेशा सरकार को मजबूत किया, इसलिए जनता कमजोर हो चुकी है, जनता हर तरह से कमजोर हो चुकी है, जनता के अधिकार ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं आज, इसलिए कि जनता ने ही सरकार को ताकत दी है उनको, वो इसलिए दी है कि जनता अशिक्षित है, जनता समझती नहीं है कि हम सरकार को अगर ताकत देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि देश जो है उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। देश उनके लिए, देश का मतलब है सरकार। अच्छा, हमेशा आप देखेंगे कितना जो है फॉरेन रिजर्व कितना है, किसके पास फॉरेन रिजर्व है भाई? सरकार के पास। उसको वो अपना बड़ा एजेंडा लेके चलते, इतना हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, इतना सरकार के पास टैक्स आ गया। टैक्स तो कितना भी लूट सकते हो आप, टैक्स से लूट, वो जितना आप लूट लेंगे उसको इनकम बताएंगे क्या? उसको ग्रोथ बताएंगे आप? मैं आपसे पूछता हूँ, लूट को ग्रोथ बताएंगे क्या? ग्रोथ इसको कहते हैं जब सरकार लूट रही है। सरकार तो लूटती ही है, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को समझिए। ग्रोथ जो है देश का विकास किसको कहते हैं? आप पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, देश में आजादी का सूचकांक कितना बढ़ा, देश में हैप्पीनेस का सूचकांक कितना बढ़ा, देश में लोगों के अधिकार कितने बढ़े, लोगों के मौलिक अधिकारों में क्या बढ़ा, बढ़ोतरी हुई, इससे देश की ग्रोथ जज की जाती है। हम देश की ग्रोथ किससे जज कहते हैं करते हैं? टैक्स कितना बढ़ा, आपके पास फॉरेन रिजर्व कितना बढ़ा, वो तो कितना भी बढ़ा लो कितना भी घटा लो उनके हाथ में। आज आपका डॉलर रुपए का रेशियो है, उसको उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी बहुत बड़ा मापदंड नहीं है, लेकिन छोटा मोटा मापदंड उससे भी कर सकते हैं, इससे ग्रोथ पता लगती है आपको देश की। अब आप कह रहे हैं देश तो ग्रोथ कर रहा है, कहां, मेरे को तो कहीं नजर नहीं आ रही ग्रोथ देश। तो सरकार जिस तरीके से इस वक्त हर तरीके से बोल रही है कि देश जो है हमारा उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुजरात में भी चुनाव में उसका रिजल्ट दिखा है, भाई सरकार कर रही, जनता दे रही है उनको, इसको किस तरीके से पता चला? मुझे एक चीज बताइए, 75 साल की आजादी हो गई, किस सरकार ने ऐसा कहा कि हम देश तरक्की नहीं कर रहा है, हम उल्टी अवनति कर रहे हैं? किस सरकार ने कहा? इतने प्राइम मिनिस्टर बदल गए, इतनी सरकारें बदल गई, इनकी पार्टियां बदल गई सत्ता में आने वाली, किसी सरकार ने ये कहा कि नहीं देश पतन की ओर जा रहा है? जी किसी ने नहीं कहा जी, हर सरकार यही कहती है देश उन्नति कर रहा है, लेकिन उन्नति का मापदंड तो आपको देखो ना, तो मापदंड कैसे देखा जा सकता है? सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है जो पब्लिक को अपील कर रहा है, आप इसको समझिए, एक पब्लिक के हित का काम, एक पब्लिक के दिल का काम, दोनों में फर्क है। आप बच्चा है, बच्चे को आपने टॉफी दे दी, बच्चा खुश, आप बच्चे से कोई भी काम करा लो, वो टॉफी से उसके दांत गल जाएंगे, उसकी आंतें खराब हो जाएगी, खत्म। एक आप बच्चे को डांट के बिठाते हो कि नहीं ये सेब खाइए, आप ये काम करिए, आप जल्दी उठिए, आप लाइए, ब्रश करिए, फलाना ढिकाना, बच्चा परेशान में आएगा, ये घर वाले मेरे को परेशान कर रहे हैं, ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, आप इसको समझिए। ये बच्चा हो गया, बड़ा भी जो है, बड़े को भी आप गुमराह कर सकते हो, आप समझिए। मीडिया है सरकार के पास, सरकार के पास और बहुत सारी जो है वो तंत्र है। नहीं, मीडिया का मतलब, मीडिया सरकार के पास क्या, मीडिया जो है सब सरकारी मीडिया है। मैं बहुत पहले से कहता हूँ, कम से कम 20 साल से मैं कहता आ रहा हूँ कि मीडिया को सरकार से आजाद करना बहुत जरूरी है। तो मतलब कि मीडिया के कैदखाने में है? सरकार के कैदखाने में मीडिया, बिल्कुल। कैसे मतलब, आपको कैसे लगा? 20 साल से नहीं, जितना जैसे जैसे एक दिन हमने गुजार दिया और कैदखाने में चली गई, पर डे बाई पर डे, आप 75 साल में पर डे सरकार का मीडिया जो है देश का वो कैदखाने में जा रहा है। अब आप पूछिए कैसे कैदखाने में जा रहा है? मैं आज से नहीं कर रहा, मैं कोई बीजेपी की सरकार के समय से नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, कम से कम 20-25 साल से कह रहा हूं, इसको आजाद करिए भाई, मीडिया को आजाद करिए। तो आपके हिसाब से मीडिया जो है कैदखाने में जा रहा है? बिल्कुल। आप जिसे आपने ये बोला कि सरकारी मीडिया मतलब सरकार की मीडिया, मैं बताता हूं क्यों है। अब आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जब आप ये अधिकार अपने पास सुनिश्चित करते हैं कि आप फलाने आदमी को हम पैसा देने का अधिकार है, जैसे मीडिया एक एजेंसी हो गई, एक सेक्टर हो गया, सरकार ने एक अधिकार अपने पास लिया कि हम मीडिया को पैसा देंगे, जो पैसा देगा उसकी गुलाम नहीं होगी वो मीडिया। ये कैसे डिफाइन करेंगे कि वो गुलाम होगी?
तो अब आपके चार मीडिया कर्मी, मैं सरकार हूँ, मेरे पास चार मीडिया एजेंसी खड़ी हुई है, चार में से सब मेरे को पैसा दे दो सर, मेरे को पैसा दे दो सर, मेरे को पैसा दे दो। अब मैं कहूंगा यार तुम मेरे खिलाफ तो लिखते हो, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, हटो एक तरफ, और तीन को मैंने दे दिया। अब आप बताइए मेरी गुलाम बनेगी कि नहीं बनेगी, आपसे पूछता हूँ बताइए, क्योंकि अधिकार पैसा देने का अधिकार मेरे पास है नहीं है। मेरे पास एड का, एड के थ्रू मैं बहुत मोटा पैसा दे रहा हूँ, हजारों करोड़ रुपए सरकारें बांटती है एड का, उन्हीं के दम पे मीडिया चलता है। तो मीडिया की रगों में जो ब्लड चल रहा है वो किसके पैसे का चल रहा है? सरकार के रेमोक्रम पे चल रहा है। अब वो जिंदा जो मीडिया सरकार के रेमोक्रम पे है, जो जिंदा ही सरकार के रेमोक्रम पे, वो आप कह रहे हो गुलाम कैसे हो गया? तो मैं समझता हूँ सवाल ही आपके लिए। बहुत से मीडिया चैनल ऐसे बंद भी किए गए, तो इसका मतलब कि वो गुलामी नहीं कर रहे, तो इसलिए बंद कर दिए गए। सरकार के पास बहुत वाइड पावर्स होती है, बहुत वाइड पावर्स होती है। कौन सरकार चाहेगी कि आपके खिलाफ कोई बोल रहा है और अपने पास ताकत भी है उसका मुंह बंद करने की, फिर भी हम नहीं करेंगे? कैसे नहीं करेंगे भाई? तो मतलब वो संविधान को तोड़ते हुए ये सब भी काम भी कर सकते हैं। अब संविधान को तोड़ने की बात तो संविधान के इतर जाकर के तो वो काम करेंगे नहीं। संविधान में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के खिलाफ अगर आप किसी का मुंह बंद किया हुआ है तो वो कोर्ट में जाए। कानून जितना सरकार को अलाउ कर रहा है उतना सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकारें जो अब राजनीति कर रही हैं, क्या उस राजनीति से जनता को और हमारे देश का विकास होना संभव है या नहीं? बिल्कुल असंभव है, कोई संभावना नहीं है, 1% की संभावना नहीं है। अगर आपको वाकई में देश को विकास के राह पे ले जाना है तो आपको एजुकेशन को आजाद करना पड़ेगा, आपको जो चार खंभे हैं लोकतंत्र के उनको आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। चार खंभे यानी आपको मीडिया को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, मीडिया का जनता के थ्रू, सरकार के थ्रू जो पोषण है, सरकार के थ्रू पोषण कैसे होता है? सरकार कहां से पैसा लाती है? हमसे आपसे लेती है ना टैक्स के रूप में। हमसे आपसे टैक्स लिया 5 करोड़ और वो एक मीडिया को दे दिया, भाई तू हमारे शान में कसीदे पढ़, तो वो कैसे आ जाती होगी मीडिया की? हम कहते हैं कि सरकार मीडिया को पैसे देने का अधिकार वापस ले, सरकार 1 पैसा भी मीडिया को देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझिए, तो मीडिया ऑटोमेटिकली आजाद हो गई। जब आजादी में आदमी घूमेगा तो वो सत्य छापेगा, जब गुलामी में आप काम करोगे तो आप वो छापोगे जो आपका मालिक कहेगा, ये फर्क है। और इन दोनों एजेंसी से मैंने दूसरा काम बताया, एजुकेशन। एजुकेशन को सबसे पहले नेहरू जी ने गुलाम बनाया और उसके बाद जैसे जैसे सरकारें आती गई वो गुलाम बनाती चली गई, गुलाम बनाती। अब वो कहता है कि साहब बाथरूम की सरकार बताएगी कैसा बनाना है, उसमें लाइनें क्या लिखनी है किताब में वो भी सरकार बताएगी, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है आपके ऐसे में वो सरकार बताएगी, कहाँ क्या लिखना है वो सरकार बताएगी। तो जब सरकार ने एजुकेशन बनाना है, सरकार ने बच्चे को एजुकेट करना है, तो वो कैसे एजुकेट करेगी आपसे पूछता हूँ? गुलाम एजुकेट करेगी या आजाद एजुकेट करेगी? इसीलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन को आप आजाद करिए, ताकि आजादी में जब आदमी एजुकेट होगा तो वो चारों तरफ की चीजें सीखेगा, अच्छी भी सीखेगा बुरी भी सीखेगा, सारी चीजें सीखेगा। आपके हिसाब से मैं पढ़ू ये तो गुलामी हो गई ना सब, मेरी बात को समझिए, और आपके हिसाब से मैं लिखूं ये भी गुलामी हो गई। इसीलिए दोनों को आजाद करना पड़ेगा। तो आज आप एजुकेशन को आजाद कर देंगे तो जो नई खेप हमारी 15 साल के बाद जवान होगी वो देखना क्या शानदार होती है। तो आपके हिसाब से देश की उन्नति और उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमको इन 4 स्तंभों को आजाद कराना पड़ेगा। फिर आपको सरकार के वो गुलाम हो चुके हैं, फिर आपको फिर सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं, देश ऑटोमेटिकली अपनी गति पकड़ लेगा। आप समझिए, फिर ऑटोमेटिकली गति पकड़ लेगा। पानी के ऊपर आपने बांध बना दिया, पानी आगे आएगा ही नहीं, आप बांध तोड़ दो पानी अपने आप रास्ता पकड़ लेगा जहां उसको जाना है। ठीक है, आप अक्सर ऐसा देखने को मिला है, हम सोशल मीडिया पे भी रहते हैं और न्यूज़ के माध्यम से भी पता चलता है, लोग जब तीखा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मन में एक डर भी बना होता है कि कहीं हमारे इस बोलने पर हमारे ऊपर मुकदमे ना हो जाए। तो क्या लगता है आपको कि अगर आप तीखा बोलेंगे आज के दौर में तो मुकदमे का डर, या आपको किसी सरकार के कुछ ऐसा चीज हो जाए जिससे आपको दिक्कत हो? जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलते हैं, मकान तोड़ जाते हैं, तो इसको डर नहीं लगता है इस तरीके से? तो वो सरकार के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसका तो सरकार तो उसको डैमेज करने का प्रयास करेगी ना। कोई भी आदमी, मैं अगर बोलता हूँ मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ मान लीजिए, ऐसा समझिए,
तो सरकार नहीं चाहेगी क्या मेरा मुंह बंद करना, वो किसी जितनी उसकी ताकत है उस हिसाब से वो उसका इस्तेमाल करती है, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। और आज कोई नई चीज पैदा हुई है ऐसा कभी नहीं है, ये तो आजादी के बाद से ही चल रहा है। और आज हिंदुस्तान में ही है ऐसा भी नहीं है, हर देश में ऐसा होता है, लेकिन कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है। इस पीरियड में ये घटनाक्रम बहुत ज्यादा जोर पकड़ा है और सरकार इस तरह से प्रयासों को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है कि भाई चुप रहो ताकि बोलने वाले कम हो, कम हो जाए। ठीक है, अपना परिचय दे दे। संजय गर्ग है मेरा नाम, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जयपुर में रहता हूँ।